हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ बसंत बरेट, फायर सेफ्टी ट्रेनर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिप्सा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के सेफ्टी ट्रेनिंग या फिर कह सकते हैं सेफ्टी मीटिंग के बारे में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि इंडस्ट्री में एज अ सेफ्टी ऑफिसर हम कितने तरीकों के सेफ्टी मीटिंग या सेफ्टी ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं। वैसे तो फ्रेंड, किसी भी इंडस्ट्री में ऐसे कोई नॉर्म्स नहीं हैं कि एक इंडस्ट्री में इतने तरीकों के सेफ्टी ट्रेनिंग या फिर कह सकते हैं सेफ्टी जो ट्रेनिंग होती है या मीटिंग होती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट आज की इस वीडियो पर हम जानने वाले हैं कि अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं और आप अपने साइट में किस तरीके से सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए, सेफ्टी अवेयरनेस के लिए कितने तरीकों के सेफ्टी मीटिंग या फिर कह सकते हैं सेफ्टी ट्रेनिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमारा सबसे पहला जो मीटिंग होती है उसे हम कहते हैं सेफ्टी मीटिंग। इन शॉर्ट, इसको हम सेफ्टी ट्रेनिंग या मीटिंग ही कहते हैं, जो एक इंडस्ट्री में मंथली बेसिस पे किए जाते हैं। इस सेफ्टी मीटिंग का पर्पस क्या होता है? पूरे मंथ का जो एक परफॉर्मेंस होता है, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन से लेके, अनसेफ एक्ट से लेके, हमारे जितने भी पीपीज हमने प्रोवाइड किए अपने वर्कर्स को, हमने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की अपने वर्कर्स को, लाइक अगर किसी भी तरीके का कोई इंडस्ट्री में कोई इंजूरीज हो गई, तो ऐसे चीज़ों पर जो हमारा पूरे एक शेड्यूल पे एवरी मंथ जो हमारी एक मीटिंग होती है, उसे हम सेफ्टी मीटिंग कहते हैं। ये हमारे हर इंडस्ट्री में होता ही है, हर इंडस्ट्री का अपना एक नॉर्म्स होता है, उसके तहत ये मीटिंग आती है। सेकेंड, अगर मीटिंग की बात करें फ्रेंड, वो होता है टूल बॉक्स टॉक मीटिंग। ये भी हमारे इंडस्ट्री में मोस्टली अगर देखा जाए तो हर इंडस्ट्री में आपको ये देखने को मिलेगा। टूल बॉक्स टॉक मीटिंग एक ऐसा मीटिंग होता है जो कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन का मीटिंग होती है, जिसमें हम अपने सारे वर्कर्स को गैदरिंग करते हैं। इवन हमारे जितने भी टेक्नीशियन होते हैं, हमारे वर्कर्स, एम्प्लॉय, स्किल्ड, अनस्किल्ड, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, ईच एंड एवरी जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनको हम इस मीटिंग का हिस्सा में रखते हैं, जहाँ पर हम जनरल डिस्कशंस करते हैं, बात करते हैं हमारे इंटरनल एक प्रोफेशनली रिलेशन की, बात करते हैं कि वर्कर्स हमारी बात को क्यों सुने, वर्कर हमारे हिसाब से काम क्यों करें। ऐसी बहुत सारी वर्डिंग्स होती है जिससे हम अपने वर्करों से काम करा सकते हैं, सेफ वे में काम करा सकते हैं, सेफली वे में काम करा सकते हैं। तो इस तरीके की एक शॉर्ट मीटिंग जो होती है, उसे हम टूल बॉक्स टॉक मीटिंग कहते हैं। ये हो गई हमारी फ्रेंड सेकेंड मीटिंग। थर्ड मीटिंग की अगर हम बात करें, उसको बोला जाता है ऑन जॉब साइट ट्रेनिंग और मीटिंग। ऑन जॉब कहने का मतलब होता है फ्रेंड कि जिस जॉब में आप अपने वर्कर्स को काम कराना चाह रहे हैं। सपोज अभी मैं एक साइट में अगर खड़ा हूँ और मुझे यहाँ पर अगर कोई स्ट्रक्चर्स पे वेल्डिंग कटिंग का काम कराना है, तो वहाँ पर वही वर्कर होंगे जो उस दैट टाइम उस वर्क एट हाइट पे या उस वेल्डिंग एंड कटिंग वर्क पे जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो फिटर हैं, जो कटर हैं, तो मैं उनको स्पेशली बताने वाला हूँ कि इस वर्क प्लेस में अभी आप क्या करने वाले हैं। लाइक अगर आप कटिंग करने वाले हैं तो आपकी क्या सेफ्टी प्रिकॉशन रहेगी, आप वहाँ पर किस तरीके से पीपीज का यूज़ करेंगे, लाइक वहाँ पर आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं। ओवरऑल मेरा जो पूरा का पूरा जो टॉपिक होगा, वो पर्टिकुलर उसी जॉब को होगा, उसे हम ऑन जॉब साइट ट्रेनिंग और मीटिंग कहते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग मीटिंग की अगर हम बात करें फ्रेंड, उसे हम कहते हैं सेफ्टी इंडक्शन। अब सेफ्टी इंडक्शन भी एक तरीके का मीटिंग ही होता है फ्रेंड। सेफ्टी इंडक्शन बेसिकली कब की जाती है? जब हमारे वर्क प्लेस में एक न्यू मेंबर, न्यू एम्प्लॉय आती है, चाहे वो किसी भी फील्ड के लिए हो, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए हो, वो कम्प्लीटली पावर प्लांट के बारे में, हमारे इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, हमारे कंपनी की क्या पॉलिसी है, हमारे इंडस्ट्री में, हमारे वर्क प्लेस में किस एरिया में कौन से खतरे हैं, और उस वर्कर या उस एम्प्लॉय का अगर वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, वहाँ पर वो किस तरीके से काम करेगा। तो ये हम उसको सेफ्टी इंडक्शन के माध्यम से हम उसको बताते हैं कि आप अगर उस एरिया में जाके काम करेंगे तो वहाँ पर किस तरीके का अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन है, या फिर वहाँ पर किस तरीके के हजार्ड हैं, जिसके अकॉर्डिंग से आपको अपना सेफ वे को यूज़ करना है। तो इस तरीके की एक मीटिंग भी हम कंडक्ट करते हैं, इसे हम सेफ्टी इंडक्शन कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट मीटिंग की बात करें या नेक्स्ट ट्रेनिंग की बात करें, उसको बोला जाता है हमारा
स्पेशली वर्क एट हाइट को लेके एक मीटिंग होती है। स्पेशली वर्क एट हाइट को लेके जो मीटिंग होती है, ये मीटिंग कब होती है, जिसमें हमारे स्पेशली हमारे रिगर लोग होते हैं। रिगर जिसको बताया जाता है कि आपका वर्क एट हाइट के दौरान जो लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स होते हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं, उसमें आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा, हमारे जो हाइट पास के क्या वैलिडिटी हैं, हाइट पास जो हमारे कुछ स्पेशल रिगर हैं जो उस एरिया के लिए कंफर्टेबल होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से बहुत सारे सेफ्टी मीटिंग या सेफ्टी ट्रेनिंग है जिसका इस्तेमाल हम इंडस्ट्री में करते हैं। और स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बोला कि इसका कोई एक एग्जैक्ट कोई नॉर्म्स नहीं है, बट हर कंपनी की जो सेफ्टी पॉलिसी होती है, हर पावर प्लांट की जो हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी होती है, उनकी जो एक वर्किंग कल्चर होती है, उसमें यह डिसाइड किया जाता है कि कितने तरीके से हम सेफ्टी ट्रेनिंग सेफ्टी मीटिंग इंडस्ट्री में कंडक्ट कर सकते हैं। एंड ओवरऑल जो हमारा मोटो होता है कि कैसे हम वर्कर्स को प्रॉपर सेफ वे पे काम कराएं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को मेंटेन करते हुए काम कराएं, तो ये सारे ट्रेनिंग ये सारे मीटिंग का मेन पर्पस सेफ्टी को मेंटेन करने का होता है। सो आई होप फ्रेंड आज की इस वीडियो में आप ये जान गए होंगे कि एक इंडस्ट्री में एज अ सेफ्टी ऑफिसर आप कितने तरीके से मीटिंग या फिर ट्रेनिंग को कंडक्ट करा सकते हैं। सो इस वीडियो को देखने के लिए अगेन थैंक यू।